पराठे बनाने के लिए हमने 2.5 कप गेहूं का आटा ले लिया है। इसमें थोड़ा सा नमक और चिली फ्लेक्स और कलौंजी हमने इसमें डाल दी है और बहुत अच्छे से मिक्सिंग कर दी है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने आटा लगा दिया और इसको कवर करके रख दिया है। और अब हम पराठे बेलना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने गोल पराठा बेल लिया है, फिर उसको एक तरफ से फोल्ड किया, दूसरी तरफ से फोल्ड किया तेल लगा के, और फिर दोनों को जैसे मैं फोल्ड कर रही हूँ उस तरीके से फोल्ड करेंगे। फिर उसके बाद हम पराठे को बेल लेंगे बहुत अच्छे से और एक तरफ हम तवा गर्म होने के लिए रख देंगे। और अब हम पराठे को अलग पलट के दोनों तरफ से बहुत अच्छे से सेक लेंगे और दोनों तरफ घी या तेल जो भी आप चाहें वो लगा के भी इसे सेक लेंगे। तो लीजिए, अब हमारा गर्मा गर्म पराठा एकदम रेडी है।